नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन की सिलवानी में मनाया गया वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी का बलिदान दिवस। सोमवार को राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के तत्वाधान में ग्राम कुंडाली बहुरी पहाड़िया मनकवाद गेंसरा गुंदरई क्षेत्र के युवाओं ने अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य बाजार कुंडाली में सभी युवाओं ने एकत्रित होकर बैंड बाजों के साथ रानी अवंती बाई लोधी अमर रहे के जयकारों लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में विशाल बाइक रैली निकालकर कस्बा बहुरी स्थित रानी अवंती बाई तिराहे पहुंचे, जहां अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा पर जनपद सदस्य प्रतिनिधि मदन गोपाल वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत कर आम सभा की गई। वही कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह लोधी ने अपने वक्तव्य में मां भारती की पुत्री अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई के जीवन परिचय और इतिहास की गाथाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, रामगढ़ की रानी अवंती बाई जी का चरित्र आज के देश भक्तों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा है। देश प्रेम की संवेदनाएं आधुनिक समाज में भर रहा है और कई शहीदों के चरित्र पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं द्वारा वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर 5 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर कस्बा बहोरी से भैया मिथुन लोधी, पंकज शर्मा, आशीष सोनी, कल्याण सिंह लोधी, ठाकुर तेज सिंह लोधी, जसवंत सिंह लोधी, प्रेम नारायण लोधी, मनोज मेहरा, रूपेश लोधी, राजकुमार गुप्ता, धर्मेंद्र लोधी, पप्पू लोधी, दीपक लोधी, जितेंद्र लोधी, संदीप भाटिया सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र तथा आसपास के युवा उपस्थित रहे। सिलवानी बहोरी से संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट।